टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टाइम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5 ऑफ चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्लास 9। इसमें आज हम न्यू एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस? मीन्स एक मैच बॉक्स है, उसका साइज का मेजरमेंट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। ये बताना है कि 12 बॉक्सेस में कितना, 12 बॉक्सेस का कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी शेप है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है। तो ये क्यूबॉइड शेप है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। ये एक एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा। 25 4 100 को 15 से करेंगे तो 1500 आ जाएगा। इसमें दो डिजिट, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो क्या आ जाएगा, दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 15.00। ये सारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको 15 बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड करना है। ट्वेल्व बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 बॉक्सेस का 15 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। नंबर 2 में आपको गिवन है क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 सेंटीमीटर डीप। 4.5 मीटर डीप, सारी जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है सब मीटर में गिवन है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, मीन्स वाटर होल्ड करना निकालना है तो आपको सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, कितने लीटर ये वाटर होल्ड कर सकता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूबॉइडल वाटर टैंक का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, व्हाट इज द फॉर्मूला, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। एल बी एच, एल इज 6 मीटर एंड 5 मीटर एंड 4.5 मीटर। 6 5 30 को 4.5 से करेंगे तो 5 0 0 4 0 0 0 12 0 5 3 1 1 3 5 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो एक जीरो हट जाएगी, आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक। अब आपको इसमें वॉल्यूम तो पता है, 135 मीटर क्यूब आ गया, बट इसमें आपको लीटर्स में बताना है। तो अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। अब हमको 135 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135,000 लीटर आ जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड?
मीन्स एक क्यूबॉइडल वेसल की आपको लेंथ और विड्थ गिवन है, आपको ये बताना है कि वो कितना ऊंचा होगा, हाई कितना होगा कि उसमें 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड आ जाए। मीन्स आपको जो वॉल्यूम है वो गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है 380 क्यूबिक मीटर। आपको और क्या गिवन है? लेंथ, लेंथ ऑफ वेसल इज इक्वल टू 10 मीटर और विड्थ, विड्थ या ब्रेड्थ भी बोल सकते हो, ब्रेड्थ ऑफ वेसल इज इक्वल टू 8 मीटर। वॉल्यूम भी गिवन है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में L इंटू बी इंटू एच करेंगे, तो आपको वॉल्यूम तो ऑलरेडी गिवन है, तो वॉल्यूम के नीचे 380 लिखेंगे मीटर क्यूब, लेंथ गिवन है 10, ब्रेड्थ गिवन है 8 इंटू एच आपको फाइंड करना है। तो H को जब हम इस साइड ले आएंगे तो 380 हो रही है, 10 इंटू 8 डिवाइड हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 24 जा 8 और ये 19 पे कैंसिल हो गया, 19 टू जा 38, 19 बाय 4 आ गया, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 जा 16, ठीक है अभी डेसिमल, 19 को 4 से, 4 जा 16, 30.347 जा 28, 2045 जा 20, मीन्स 4.75 मीटर के आगे हाइट आ गई। हाइट कितनी होनी चाहिए तो क्यूबॉइडल वेसल की 4.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कैपेसिटी गिवन है, द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर, मीन्स आपको ये वॉल्यूम गिवन है, कैपेसिटी वॉल्यूम होता है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। आपको दो चीज़ें गिवन हैं, डेप्थ गिवन है और लेंथ गिवन है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द डेप्थ। आपको फाइंड क्या करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है किसकी, क्यूबॉइडल टैंक की, और जिसका जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर है। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम के एक्चुअली गिवन है बट वॉल्यूम के फॉर्मूले में ही पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, L इंटू बी इंटू एच, बट आपको गिवन है तो हम यहाँ पर 50,000 वॉल्यूम के नीचे पुट कर देंगे। एंड आपको दो चीज़ें गिवन हैं, लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ इज 2.5 मीटर, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है एंड डेप्थ इज 10 मीटर। ओके, आपको जो ब्रेथ फाइंड करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में इधर ले आएंगे और इसको 50,000 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10, ये पॉइंट में है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी, मीन्स 10 लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 25 टू जा 50, 000, 2000, 2000 क्या आया, 2000 इसकी, क्योंकि ये हमें लीटर में गिवन है, इसको अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये लीटर में आया ना, अभी हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के इक्वल होता है, इसके अपॉन में 1000 कर देंगे तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी, 2 मीटर इज द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्योंकि सारी जो ये भी मीटर में गिवन है, लेंथ और डेप्थ दोनों मीटर में गिवन है, तो इसको भी हमें मीटर में फाइंड करना है, इसलिए हमने 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर के इक्वल होता है तो 2000 को 1000 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये जो कैपेसिटी थी वो लीटर में गिवन थी, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 मीटर इसकी क्या आ गई, ब्रेथ ऑफ द टैंक। नंबर 4 में आपको गिवन है
फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। आपको एक क्यूबॉइडल पिट, उसकी लेंथ ब्रेड हाइट गिवन है, उसकी कॉस्ट फाइंड करना, कॉस्ट गिवन मतलब पर मीटर की कॉस्ट, मीटर क्यूब की कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम को ₹30 पर मीटर क्यूब जो इसकी कॉस्ट गिवन है पिट को डिग करने की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, एल इंटू बी इंटू एच। वट इज लेंथ 8 मीटर, ब्रेड्थ इज 6 मीटर एंड 3 मीटर डी। 8 6 जा 48, 48 3 जा 144 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट क्या रेट है, रेट आपको गिवन है एट द रेट ऑफ ₹30, 144 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 1 13 3 1 जा 3 और 1 4 4 3 2 0 रुपीज़। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट। ओके।